हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल से यूजर आईडी या यूजर नेम और पासवर्ड कैसे रिकवर करें। दोस्तों, यदि आप एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल में पहले से ही रजिस्टर्ड हैं या पहले कभी अप्लाई किया है तो पुनः स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने या रिन्यू करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल में चलते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये एमपी स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आईडी और पासवर्ड रिकवर करने के लिए आप लॉगिन बटन पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। रिकवर करने के लिए ऑप्शन स्टूडेंट रिकवर पासवर्ड मिल जाएगा, या फिर पेज को स्क्रॉल डाउन करें, स्टूडेंट कॉर्नर पर देखें रिकवर पासवर्ड। इस लिंक पर भी क्लिक करके आप रिकवर पेज पर जा सकते हैं। क्लिक करें, यह रिकवर योर पासवर्ड पेज है। तो चलिए अब हम रिकवर करते हैं। पासवर्ड रिकवर करने के लिए तीन मेथड हैं। तीन मेथड के द्वारा आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट मेथड से आईडी और पासवर्ड रिकवर करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं कैटेगरी सिलेक्ट करें। इसके बाद फर्स्ट नेम इंटर करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पर जो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना है, जब कभी आपने फॉर्म फिल किया था वहां पर जो भी आपने नंबर इंटर किया था वही नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। सभी एंट्री करने के बाद रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखें आपका नाम शो होगा, यहाँ पर आपकी यूजर आईडी है और ये आपका पासवर्ड है, इसको आप नोट कर लें। अब आपको यहाँ पर गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आप लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा हो चुका, अब हम सेकंड मेथड से पासवर्ड रिकवर करते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड मेथड से यूजर नेम और पासवर्ड रिकवर करते हैं। स्टूडेंट्स रिकवर पासवर्ड पे क्लिक करें। अब हमें न्यू क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम इंटर करें, इसके बाद समग्र आईडी इंटर करें। आपको यहाँ पर जो समग्र आईडी है 9 डिजिट वाली ही इंटर करनी है। इसके बाद फादर नेम इंटर करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। इंटर करें। इस तरीके से इंटर करने के बाद अब आप रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करें। जैसे ही आप रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, योर डिटेल्स हैज वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाइड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी जा चुका है, अब आप उसी ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद अब अप्रूव ओटीपी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, यहाँ पर आपकी यूजर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड शो होगा। ये आपका यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो चुका है, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल एंड लॉगिन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करके हम फिल कर सकते हैं। अब हम पासवर्ड रिकवर करने के लिए थर्ड मेथड देखेंगे। अब आप यहाँ पर देखें ऑल टाइप यूजर रिकवर पासवर्ड लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करें। इस तरीके से पेज ओपन होगा। फर्स्ट और सेकंड मेथड के द्वारा जो आपको पासवर्ड प्राप्त होता था वो पासवर्ड पोर्टल के द्वारा दिया जाता था, लेकिन इस मेथड के द्वारा आप अपना पासवर्ड खुद बनाएंगे। इसके लिए आपको यूजर आईडी या एप्लीकेशन आईडी की जरूरत होगी। यहाँ पर यूजर आईडी इंटर करें, यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करें, इसके बाद कैप्चा फिल करें, इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ये जो आपकी वार्निंग दी गई है इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर इंटर किया है वो इस एप्लीकेशन आईडी पे रजिस्टर्ड नहीं है। या तो मोबाइल नंबर गलत है या तो एप्लीकेशन आईडी गलत है, आप दोनों ही चेक कर लें। और यहाँ पर आप करेक्ट फिल करें। करेक्ट फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद ओटीपी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप जो पिन नंबर इंटर करना है वो आपके मोबाइल पे आ चुका होगा, अब यहाँ पर इंटर करें। पिन नंबर इंटर करने के बाद अब यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद अब वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करना है।
जो आपको यहां पर अपना पासवर्ड सेट करना है उसमें से जो वन डिजिट स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, जो पासवर्ड की लेंथ है वो कम से कम 7 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप जो भी रखना चाहें। अब यहाँ पर आप पासवर्ड इंटर करें। यहाँ पर जो आपको पासवर्ड इंटर करना है वो सेम पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड में भी इंटर करना है। ये आपका डेमो पासवर्ड है, इस तरीके से आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं। आप जो इंटर पासवर्ड में इंटर करेंगे सेम आपको कन्फर्म पासवर्ड में भी इंटर करना है। इसके बाद अच्छा फिल करना है, फिर करें। करने के बाद सेट पासवर्ड पे क्लिक करें। सेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा, योर पासवर्ड बीन सेट सक्सेसफुली, आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुल सेट हो चुका है। गो टू लॉगिन पे क्लिक करें। अब यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि यूजर नेम या पासवर्ड रिकवर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन दिया जाएगा। न्यू फॉर्म फिल करना और एप्लीकेशन फॉर्म को रिन्यू करना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।